काम देखते हैं, आप देख रहे हैं मेरा ये प्रोग्राम का इस। आज हम एक छोटे से बड़े म्यूजिकल मीटर का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसको कहते हैं TVS मीटर, और आम दुकान में ये पानी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि पानी के अंदर टोटल कितने सॉलिड जो हैं वो हल्के हुए हैं। TVS मीटर जो है, TDS स्टैंड करता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जो पानी के अंदर कितने सॉलिड्स हैं, कितने नमकियात और मिनरल्स जो हैं वो पानी के अंदर हल्कजीर हैं, उनको हम चेक करते हैं। जो भी पानी हम यूज़ करते हैं पीने के लिए, घरों में इस्तेमाल के लिए, उस पानी को चेक करने के लिए उसकी TDS कितने हैं, उस पानी के अंदर मौजूद नमकियात कितने हैं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए पानी की लेबॉरटरी बेसिक के लेबॉरटरी के तौर पर इस्तेमाल होने वाला ये मीटर TDS मीटर कहलाता है। इस मीटर की आज रिव्यू हम कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो एक मेन सामने आपको नज़र आएगी एक छोटी सी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आपको डिजिट्स की फॉर्म में एक वैल्यू नज़र आएगी, जो कि आपके पानी TDS लेवल को इंडिकेट करेगी। और सबसे ऊपर जो है ये एक बटन दिया गया है, जो कि ऑन ऑफ बटन है, जो इसको ऑन करने से एक साइड पे हम जैसे ये इस तरह स्लाइड करते हैं तो ये मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देता है। इस वक्त हम चेक नहीं कर रहे पानी को, तो इस वक्त ये जीरो रीडिंग शो कर रहा है, इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो इसी तरह से इसकी बैक साइड पे अगर हम देखें तो बैक साइड के ऊपर हमें इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिलती हैं, और इसका जैसे कि खाना नाम से ये खाना कंपनी का है, तो बाकी इसके बारे में मुझे गाइड यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, दुनिया में ये बना है। तो यहाँ पे इसकी ये जो जगह है, यहाँ पे इसके अंदर सेल्स चलते हैं, बैटरीज चलती हैं, तो इसको हम ऊपर करके देखते हैं इसकी कौन सी वैल्यू होती है। इसको हमने बाहर लिया, छोटा सा इसके अंदर साइड में आधा सा है, इसको साइड से ये कर लेते हैं। ये देखें इसके अंदर छोटी जो जैसे पेटियों के अंदर छोटी बैटरी होती है, सेल्स होती हैं, इसी तरह से इसके अंदर वो चार सेल हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी है, तो ये काफ़ी देर तक इस्तेमाल हो जाते हैं, और क्योंकि इस पर ज़्यादा भी इतना बर्डन नहीं होता, सिर्फ LCD को इसमें ऑन करवाना होता है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब एक और चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि यहाँ पे कैलिब्रेशन का एक बटन है, बटन तो नहीं है, अगर आप इस सुराख से देखें अंदर तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये एक स्क्रू दिया गया है, छोटा सा एक स्क्रू दिया हुआ है, तो जिसको पेज टेस्ट की मदद से हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। कैलिब्रेट से मुराद ये है कि अगर ये मीटर सही रीडिंग नहीं दे रहा, दूसरे किसी मीटर के साथ इसकी रीडिंग मैच नहीं कर रही, तो स्टैंडर्ड के तौर पे इसको सेट करने के लिए इसकी कैलिब्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा रीडिंग शो कर रहा है, तो इसके नट को जो ये पेच लगा हुआ है इसको हम लूज़ करेंगे या टाइट करेंगे, जिससे इसकी रीडिंग उस दूसरे मीटर की रीडिंग के साथ मैच कर जाएगी। तो इसको कैलिब्रेट करने का ये तरीका है मैंने साथ में लिया। तो सब सेंड पे देखते हैं कि ये हमें नीचे एक कैप मिलता है, इस कैप को नीचे उतारते हैं, तो इस कैप के अंदर तो बेसिकली कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको छोटी सी एक स्लाइड से मिल जाती है, और यहाँ पे दो सुराख, इनके अंदर भी इसी तरह से मेटल की स्लाइड्स हैं बनी हुई। तो बेसिकली क्या करते हैं कि इसके अंदर से एक करंट फ्लो करता है, जो कि एक साइड से
होता हुआ पानी में से हल होके तो दूसरी तरफ जो है दूसरे ये इसका जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर, जो यहाँ से जो एक खास वैल्यू की एक करंट जो है वो यहाँ से पानी के अंदर जाएगी और यहाँ से रिसीव की जाएगी, ये रिसीवर है इसकी जो, ठीक है। तो पानी असल में हम क्या करते हैं, इस छोटे वाले कैप के अंदर भरते हैं पानी, पानी भरने के बाद इस कैप के अंदर ऐसे करके डिप कर देते हैं इस मीटर, जैसे हम डिप करते हैं और यहाँ से ऑन का बटन जो है वो दबाते हैं, इस साइड पे करते हैं तो ये एक रीडिंग शो करेगी और ये रीडिंग होती है PPT पार्ट्स पर ट्रिलियन, PPT स्टैंड्स पर पार्ट पर ट्रिलियन, ये ऊपर लिखा गया कि उसके पानी के ट्रिलियन में पार्ट के अंदर कितनी जो नक्यात हैं या सॉलिड्स डिजॉल्व। तो इसको अब हम चेक करते हैं फिजिकली, तो आइए इसको पानी इसके अंदर फिल करके चेक करते हैं। मीटर है इसको इस पानी वाली इस जार के अंदर एक्टिव कर किया और अब इसका जो बटन है उसको दूसरी साइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस पानी की जो TDS रीडिंग है उसको शो करवा दिया, ये हमारे पास 74 TDS हमारे पार्ट पर। तो ये पानी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा पानी है क्योंकि 300 से 350 TDS जो है वो पीने वाले पानी के अच्छे माने जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ 74 बेहतर पानी। इसी तरह से जब हम रिया बोर करवाते हैं तो जिस वक्त इसका पानी आना शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये वाला जो हमारा TDS मीटर है इसको हम साथ साथ रखते हैं ताकि जो पानी सप्लाई है वहाँ से उसके TDS को बार चेक करते रहते हैं बार बार। तो जिस लेवल पे जाके हमारे रिक्वायर्ड TDS जो हैं वो कम आ जाते हैं, 300 फीट पे आ जाएं बोर करते हुए या 250 फीट पे आ जाएं या 350 पे या 230 जहाँ पे भी आ जाएं हमारे TDS जो है बेहतर आ जाएं तो वहाँ पे हम बोरिंग जो है उसको रोक देते हैं। TDS मीटर को आना।